बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र वलिया यूनिवर्सिटी से है तो आप देख रहे हैं चंद्रशेखर जो आजाद है तो वलिया यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ बात करने वाले हैं। तो बीए द्वितीय वर्ष जितने भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर में है उनका पेपर आप देख रहे हैं, ये 2022 का पेपर है और ये 2022 के पेपर के हिंदी का पेपर है, वो भी प्रथम पेपर है जिसे आधुनिक काव्य के नाम से जानते हैं। ये पेपर 100 नंबर का हुआ था और 3 घंटे में सोल्यूशन करना है। तो आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये आप याद रखिए, आप यूपी के बाहर के कहीं से एमपी से हैं या फिर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बन रहे हैं। तो आप कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को याद करेंगे आप देख सकते हैं। कह रहे उत्तर अधिकतम जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो 200 वर्ड में करना है, शॉर्ट क्वेश्चनों को लॉन्ग क्वेश्चनों को 500 वर्ड में करना है, शॉर्ट क्वेश्चनों को 200 वर्ड में करना है, ये बोला गया है। ठीक है, तो यहां देख लीजिए पहला आ गया लघुत्तरी प्रश्न, जैसे हमें 200-200 वर्ड में आंसर देना होगा और यहां कह रहा है आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के, लगभग 10-40 नंबर के हैं, 4 क्वेश्चनों के आंसर दोगे 10 नंबर के हिसाब से, शायद 10 क्वेश्चन है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन 4 नंबर के हिसाब से 40 नंबर के हो जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और 10 क्वेश्चन आपको करना है तो 40 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है का वाला, देखिए पहला क्वेश्चन का लघुत्तरी प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है द्विवेदी युगी कविताओं में मैथिलीशरण गुप्त का योगदान क्या रहा है, तो मैथिलीशरण गुप्त के योगदान के बारे में। यदि आप ये क्वेश्चन ना कर सकें तो इसके अर्थ वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो खा वाला पूछा गया वो छायावादी कविता के विकास में द्विवेदी युगी काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन बनाए। यदि आप ये क्वेश्चन ना कर सके तो ये क्वेश्चन कर सके कि निराला, जो निराले जी थे उनके बादल राग, जो इनकी एक बादल राग थी, ठीक है, कविता थी, उनके अंश कथ पर प्रकाश डालना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला जी की एक थी तोड़ती पत्थर कविता, इस पर आपको स्त्री संघर्ष की कविता बतानी है। एक स्त्री थी उस पत्थर को तोड़ रही थी, उसके ऊपर एक कविता उन्होंने लिखी थी निराला जी ने, तो वो संघर्ष जो कर रही थी उस कविता में उसके बारे में पुष्टि करनी है। और नीचे क्वेश्चन बोला गया है पतन की काव्य भाषा पर टिप्पणी, तो पंत जी की काव्य भाषा, मतलब जो पंत जी हैं उनकी काव्य भाषा पर टिप्पणी आपको लिखनी है। यदि आप वो ना कर सकें, ठीक है, जैसे सुमित्रानंद पंत बोलते हैं पंत जी को, अब यहां देखें ये क्वेश्चन आप ना कर सके तो नीचे वाला कर सकते हैं, बीती बिभारी जो जागरी कविता थी इनके आपको संदेह, ये मतलब जो निहित संदेश वगैरह आपको स्पष्ट करना होता है इसमें, इस कविता के बारे में। और एक नीचे इसका 5वां जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया महादेवी, जो महादेवी वर्मा थी, ठीक है, तो महादेवी की कविता उनके बारे में आपको प्रवृत्ति के बारे में लिखना था। ठीक है, उसके बाद में ये ना कर सके तो नारी, एक थी नारी जागरण के बारे में, ये भी महादेवी वर्मा के बारे में बोला गया है, नारी जागरण और महादेवी वर्मा इनके बारे में आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना है, मतलब उनकी भाषा उनके बारे में थोड़ा सा बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, 6ठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दिनकर के काव्य राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय भावना के बारे में, राष्ट्र के प्रति उनकी भावना क्या थी दिनकर जी की, तो उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, मतलब 7वां क्वेश्चन जो बोला गया वो बोला गया है नदी के जो दीप है वो कविता के आपको कह सकते हैं भावार्थ बताना है, इसके भावना क्या हुआ उस नदी के जो दीप है किस कविता के बारे में, उसको भावार्थ मतलब भावना सहित अर्थ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया 8वां क्वेश्चन बोला गया कि जो अकाल और उसके बाद कविता की विशेषता है, अकाल उसके बाद एक कविता थी, अकाल और उसके बाद जो कविता थी उसकी विशेषता के बारे में। और 9वां क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि अज्ञ जी थे, ठीक है, उनकी और नई कविता, अज्ञ जी की और उनकी नई कविता जो थी उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये ना कर सको तो निराला की कविता के काव्य के बारे में सौंदर्य से प्रकाश डालना है। यदि और उसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया रोटी और संसद, ठीक है, इसकी एक कविता थी, ठीक है, इनकी मूल भावना के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। अब उसके लॉन्ग क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या बना था, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में बना था, लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ आपको 500 वर्ड में आंसर लिखना होता है और यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, मतलब कुछ यहाँ बोला गया है ये बताना है ये कविता कहाँ से ली गई है, किसके द्वारा ली गई है, 15 नंबर के क्वेश्चन आपको बनेंगे। संदर्भ सहित काव्य भी यहाँ बोला गया है, नीचे काव्य दिया गया है, आपको बताना है कहाँ से ली गई है और कौन से इसके राइटर है और इसकी व्याख्या करना है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, देख सकते हो कि निम्नलिखित इसकी भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, इस काव्य की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ये कहाँ से लिया गया है, कौन राइटर है इसके, देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्वेश्चन है यहाँ तक है
और इसी प्रकार से ये ना कर सको तो इसके बाद वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाला, इसके संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे बोला गया, प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के अनुभव कवि हैं, इन पर आपको विचार देना है। उसके बाद में ये क्वेश्चन ना कर सके तो पंत जी वाले प्रवृत्ति की सुकुमार कवि हैं, तो सुकुमार कवि पंत जी को बोला जाता है सुमित्रानंद पंत को, तो उनके बारे में आपको विवेचना करनी है। पांचवा क्वेश्चन बोला गया कि महादेवी वर्मा की जो कह सकते हैं गीतों में वेदना, ठीक है, गीतों में वेदना, इनके बारे में आपको आलोचना करनी है। यदि ये क्वेश्चन ना कर सके तो पठित कविता के आधार पर जो भूमिठ की काव्य संवेदना और काव्य सल्क पर प्रकाश डालने के लिए पूछा गया। उसके बाद में यही छठे, देखो बस यही क्वेश्चन बने थे, बस पांच ही क्वेश्चन या चार क्वेश्चन इसमें बने थे लॉन्ग में, ठीक है, चार क्वेश्चन लॉन्ग में करने थे और 10 शॉर्ट में, टोटल 14 क्वेश्चन करने थे। मतलब हर यूनिवर्सिटी में 14 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 14 से 15, लगभग में 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है जिसमें से 14 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखा करो, जो पेपर अभी हाल ही में हो रहा है वो पेपर को देख के जाओ किस तरीके से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।